चंडीगढ़ के रहे आशिकी। ए मेरे को पकाओ मूवी लगा। पकाओ मूवी बंडल बंडल आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना क्या उनके अंदर एक्टिंग है यार, लगातार 3 साल से ऐसे ऐसी फिल्में दे रहे हैं वो। इसमें दिए थे उन्होंने सुम मंगल ज्यादा सुल्तान, उसके बाद फिर आई थी एक ओटीटी पे मूवी वाणी कपूर, उसकी बात तो नहीं करेंगे। वाणी कपूर जैसे मूवी कहानी जो है ना स्टोरी बहुत अच्छी है, मतलब प्रेजेंट नहीं कर पाए लोग सही। वाणी कपूर, वाणी कपूर भी ये इस रोल के लिए फिट नहीं बैठी वो। अच्छा, मतलब कि कोई और होती, मतलब जो रोल था उनका वो कर नहीं पाई बराबर से। पैसा वसूल नहीं हुआ? पैसा वसूल नहीं हुआ, मैं तो बोलूंगा यार पैसा वापस दो। मेरा पैसा वापस किससे लेंगे? अभिषेक कपूर से, जो इस मूवी को बनाया भाई, जिसने इस मूवी को बनाया वो पैसा वापस। कोई गाना पसंद आया? लास्ट मूवी अच्छी गाना लास्ट में डाला भाई ने, चंडीगढ़ टाइटल सॉन्ग। अच्छा अच्छा, वो एंड में डाला। कितने स्टार देंगे? 2 स्टार। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। और बेटर हो सकती थी, और बेटर हो सकती थी। आयुष्मान खुराना बहुत बेस्ट है। वाणी कपूर, वाणी कपूर ठीक है, और बेटर हो सकती थी वाणी कपूर। मतलब जो सीरियस सीन्स है उसमें थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, बट अदरवाइज तो डू यू थिंक इट्स अ फुल पैसा वसूल मूवी और नॉट? देखनी तो चाहिए सबने, पैसा वसूल है कि नहीं वो तो सबके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, बट देखनी तो चाहिए सबने। डायरेक्शन बांध के रखता है या फिर आपको लगता है? नहीं, डायरेक्शन थोड़ा है, थोड़ा डगमगाता है, बट अदरवाइज। कितने स्टार देंगे? 5 3 3 3। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। बहुत अच्छी। आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना ने अच्छा काम करा है, वाणी कपूर ने भी, सबने बहुत अच्छी काम करा है। उनकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लग रही है और वाणी कपूर और आयुष्मान खुराना की, और मैसेज जो है मूवी में वो बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर हुआ है और काफ़ी सेंसिटिव इशू है, इसको काफ़ी अच्छे। वाणी कपूर बहुत वेरी गुड, मतलब वाणी कपूर की अभी तक मैंने काफ़ी सारी मूवीज देखी हुई है, उसमें से ये उनका बेस्ट काम लगा मुझे। तो डायरेक्शन कितना बांध के रखता है अभिषेक कपूर इज द डायरेक्टर? ग्रिपिंग मूवी, काफी बोर नहीं होंगे आप, और ना काफी कॉमेडी सीन्स भी हैं और सब अच्छी है। इट वाज अ कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज। सो कितने स्टार देंगे आप? 4.5 आउट ऑफ 5। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी फिल्म है सर। बहुत अच्छी, नहीं एक्चुअली है ना सर, आप एंटरटेनमेंट के हिसाब से जाते हो तो सर आप एक मैसेज पढ़ना चाहते हो, एक समझना चाहते हो, बहुत अच्छा मैसेज। अच्छा था मैसेज, लेकिन आयुष्मान खुराना की एक्टिंग के बारे में क्या कहेंगे? बाप रे बाप, वो तो बहुत अच्छा एक्टर है, हाड़ू बहुत बेहतरीन एक्टर है। लेकिन कैसे है ना सर, इस फिल्म में ना मुझे वाणी कपूर ज़्यादा स्पेशल लगी। वाणी कपूर, वाणी कपूर थोड़ी अच्छी है, वाणी कपूर ने ज़्यादा अच्छा काम किया, और ना वो तो ऑलरेडी आयुष्मान खुराना पे आप कंपेयर नहीं करें, वो एक्टिंग हमेशा करते हो। डू थिंक आपके लिए फुल पैसा वसूल मूवी थी? अरे डेफिनेटली ना, बिकॉज़ लास्ट टाइम आई जस्ट केम द वॉच द मूवी एंड देन आफ्टर आई जस्ट लुकिंग द पोस्टर फॉर, तो आई एम जस्ट लुकिंग द मूवी। कोई गाना पसंद आया आपको? चंडीगढ़, चंडीगढ़ करे आशिकी, क्या बात है। कितने स्टार देंगे? 5 में से। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। अच्छी मूवी थी, अच्छी बहुत अच्छी आशिकी किया इस फिल्म में, आशिकी बहुत किया, एकदम कुट कुट के आशिकी किया है। आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना भी बहुत अच्छी एक्टिंग की उनने ये टाइम, मतलब उनने अपना बॉडी कवर भी बहुत अच्छा किया, मतलब उसके लिए बॉडी अपने डोले उनने मतलब मसल्स बनाए उसके लिए मूवी के लिए, मतलब बहुत उनने मेहनत की है। वाणी कपूर, वाणी कपूर ने भी अच्छा रोल किया है ये टाइम, मतलब उनको एक गे टाइप में मतलब उनको एक रोल दिया था, पर क्या है ना अभी ये लव टाइम, अभी ना अभी न्यू जनरेशन चल रहा है कि अभी ये नहीं देखते कि लव है क्या नहीं है। सो डू यू थिंक आपके लिए फुल पैसा वसूल मूवी ये? पैसा वसूल मूवी था। ओके, डायरेक्शन आपको अच्छा लगता है? डायरेक्शन भी मूवी का बहुत अच्छा था। कितने स्टार देंगे?